दोस्तों मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। चेहरे पे इतना स्माइल मेरे इसलिए है क्योंकि अक्षय कुमार ने अनाउंस कर दी है अपनी नई फिल्म, ऑफिशियल कर दी है सुदुरै पुत्रु। ये 2020 की तमिल फिल्म थी, सुपरस्टार सूर्य नजर आए थे, बहुत ही कमाल की फिल्म थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म थी। देश विदेश में इस फिल्म का काफी नाम हुआ, काफी शोहरत बटोरी इससे सूर्या ने और काफी इज्जत और प्यार उन्हें मिला। मैं दिल में भी बस गए इस फिल्म से, कमाल की फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये फिल्म ओरिजिनल लैंग्वेज में मिस की है उनके लिए अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं सुदुरै पुत्रु का हिंदी वर्जन, या कहा जाए हिंदी रिमेक। कहते हैं एक बेहतर फिल्म, एक अच्छी फिल्म को रिमेक अगर करते हैं तो इसमें कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं है। जर्सी फिल्म का रिमेक हुआ मुझे कोई बुरा नहीं लगा, सुदुरै पुत्रु का रिमेक हुआ मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा उस वक्त लगता है जब ऐसी फिल्मों का रिमेक होता है जिसका जिसे कमर्शियल एंटरटेनर है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई उसका सोल्यूशन नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं, सिर्फ कमाई के लिए। मत करिए, आप ऐसी फिल्मों का रिमेक करिए जो जरूरी है। जैसे पिंक का रिमेक साउथ में हर एक लैंग्वेज में हुआ, बहुत लोग इस बारे में नहीं बोलते हैं क्योंकि सब लोग को लगता है कि सिर्फ साउथ इंडस्ट्री वाले हिंदी फिल्मों का रिमेक करते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी में भी अच्छी फिल्म बनती है तो उसका भी साउथ में रिमेक होता है और ये पहले से ही चलन चलता आ रहा है। अभी सब बात करते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा विजुअल या वीडियो रिलीज किया है अक्षय कुमार ने जहां पर साफ दिख रहा है कि राधिका मदन जो इस फिल्म की हीरोइन है वो नायल फोड़ते हुए नजर आ रही है। इस फ्रेम में, इस छोटे से विजुअल में आपको सुधा कोंगड़ा जो लेडी है वो डायरेक्टर है सुदुरै पुत्रु की, वो नजर आ रही है। अक्षय कुमार स्माइल करते हुए नजर आ रहा है, राधिका मदन नायल फोड़ते हुए नजर आए। अभी तक का जो भी मुहूर्त होता था किसी भी फिल्म का बहुत बड़े बड़े तरीके से होता था, ये वो क्लैपर बोर्ड पे नाम लिखा, वैसा नहीं, एकदम सादे तरीके से, और ये बहुत अच्छा लगा। सादगी में ही मजा आता है, राइट? तो ये सादगी से बहुत अच्छे से मुहूर्त कर दिया गया है। इस फिल्म का टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है और अक्षय कुमार साफ मैसेज में लिखा है अक्षय कुमार ने कि आप लोग इस फिल्म का कोई टाइटल अगर डिसाइड कर सके हिंदी में तो मुझे जरूर बताएगा। तो उम्मीद करते हैं अक्षय कुमार को अपनी जो आने वाली फिल्म जो ऑफिशियल हो चुकी है सुदुरै पुत्रु का हिंदी में, उसका एक ऑफिशियल टाइटल मिल जाए। बहरहाल हम यही कहेंगे, मैं बॉलीवुड क्रेजीज की तरफ से यही दुआ रहेगी कि अक्षय कुमार की ये फिल्म में जैसे वो उड़ान भरते हैं सूर्या इस फिल्म में प्लेन उड़ाते हैं, वैसे ही ये फिल्म भी प्लेन नहीं उड़ाता, आई थिंक वो है ना उसके वो रहते चेयर पर्सन रहते, वैसे ही यहाँ पे उड़ान भरे अक्षय कुमार भी इस फिल्म से। और उम्मीद करता हूँ ये फिल्म ज्यादा चले। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, कितने खुशी जरूर बताएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप उससे इंस्टाग्राम पर कमेंट भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। बॉलीवुड क्रेज में हैंडल है